नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी वर्कशीट 39। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, अभी कंजक्शन सीखेंगे, संयोजक जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो कंजक्शन दिए हुए हैं उनका प्रयोग करते हुए अपने को दो वाक्यों को या दो सेंटेंस को जोड़ना है। अब यहाँ के क्या करा है, अभी पार्ची इज इंटेलिजेंट सी इज ब्यूटीफुल, पार्ची नाम की कोई लड़की है वो इंटेलिजेंट है और वो ही क्या है अभी सुंदर भी है। अब देखिए अभी दोनों वाक्यों के कर्ता सेम है, ये सी पार्ची के लिए आया हुआ है, अपने को जोड़ना किसे भी नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। अगर वाक्य नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना हो तो अगर दोनों वाक्यों के कर्ता सेम हो तो आप पहले पहला वाक्य जहां तक लिखेंगे जहां तक दूसरा वाक्य क्या है भी समान है। अब पहला दूसरा सी पार्ची इज तक समान है तो आप यहां पर लिखेंगे पार्ची इज। अब आप यहां पर लिखेंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली, अब पहले वाक्य का बचा हुआ पार्ट इंटेलिजेंट फिर लिखेंगे आप बट ऑल्सो ब्यूटीफुल दूसरे वाक्य का बचा हुआ पार्ट, ये सेंटेंस बन गया पार्ची इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, ये कंपाउंड सेंटेंस में जाएगा। पार्ची है वो ना केवल बुद्धिमान है परंतु सुंदर भी है। अब देखो अभी द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर है, ही कुड नॉट वॉक फास्ट, वह तेज नहीं चल सकता, बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर था, ही कुड नॉट वॉक फास्ट, वह तेज नहीं चल सकता था। टू टू का प्रयोग करना है आपको, अब टू टू का प्रयोग करना हो तो याद रखना जहां पर पहले सेंटेंस में सो या वेरी आया हुआ है उसकी जगह टू का प्रयोग करो, फिर दूसरा वाक्य नोट तक हटा दो और टू लगाओ, सेम का सेम लिख दो। अब यहां देखो अभी द ओल्ड मैन वॉज इतना लिखेंगे, फिर जहां पर वेरी आया हुआ हो या सो आया हुआ हो उसको हटा दो, इसकी जगह टू लगा दो, याद रखना ये द ओल्ड मैन वॉज टू वीक। अब यहां पर लिखेंगे भी एडजेक्टिव वीक लिखेंगे, फिर क्या करना है अभी दूसरा सेंटेंस नोट तक हटाना आपको, ठीक है, लगाना है अभी टू लगाना है, फिर बचा हुआ पार्ट है वॉक फास्ट, मतलब ये टू है इसके बाद में तुरंत बाद में वर्ब आनी चाहिए, बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सकता था, अर्थ सेम का सेम ही रहेगा पर तो ये वाक्य क्या बन गया अभी पॉजिटिव बन गया, और ये कैसा अभी नेगेटिव, क्योंकि इसमें नोट यूज हुआ, इसमें नोट नहीं यूज हुआ है परंतु सेंस ये नेगेटिव का देता है। मोस्ट कई प्रज्ञा में पूछा गया है। अब देखिए भी तीन नंबर क्वेश्चन है, विमला इज नॉट लाफिंग सी इज नॉट वीपिंग, विमला ने तो हंस रही है नहीं रो रही है, आपको ना इधर नोर का प्रयोग करना है। अब देखो अभी कर्ता दोनों में क्या है, विमला ही रो नहीं रही है, विमला ही हंस नहीं रही है, दोनों कर्ता सेम है, अब क्या लिखेंगे अभी जहां तक पहला वाक्य सेम है दूसरे वाक्य से वहां तक लिखेंगे, नाइदर नोर का प्रयोग करेंगे या नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे तो नोट होता है वो हट जाता है क्योंकि इनकी खुद नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट देखिए अभी, अब यहां पर क्या अभी नाइदर नोर और नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे तो नोट का प्रयोग नहीं होगा। अब यहां पर विमला जहां तक वाक्य सेम है वहां तक लिखेंगे, विमला इस तक ही सेम है, लिखो विमला फिर इस जगह लिखो भी इज, फिर यहां पर नोट है वहां पर क्या लगाओ भी नाइदर, फिर जो पहले सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है वो लिखो एल ए यू जी एच आई एन जी लाफिंग, फिर क्या लिखोगे भी नोट तक हटाना है आपको, फिर लिखोगे नोर, नोट की जगह लिखोगे भी नोर,
क्योंकि सी का प्रयोग पहले हो गया, विमला के लिए सी आया हुआ है, वीपिंग आएगा। विमला इज नाइदर लाफिंग नोर वीपिंग, विमला ने तो हंस रही थी, हंस रही है नहीं रो रही है। अगला सेंटेंस है ही इज टू पुअर, पुअर मीन्स क्या होता है अभी गरीब, टू परचेज ए हाउस कि वह एक घर नहीं खरीद सकता, वह इतना गरीब है कि एक घर नहीं खरीद सकता। यहां पर ठू ठू का प्रयोग हुआ है, पहले हमने सो देट की जगह ठू ठू का प्रयोग किया था, अब देखो अभी सो देट का प्रयोग करना है, तो पहले जहां पर ठू आया वहां पर सो लगाओ, जहां पर टू आया वहां पर डेट लगाना है अपने को। ही का क्या लगेगा अभी, ही इज आ गया अभी इज, यहाँ टू की जगह लगेगा अभी ही इज सो, पूर आ गया अभी पूर, अब यहां पर लगाना है आपको टू की जगह डेट, क्या लगाना है अभी डेट, ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है कि, अब दोबारा क्या लगेंगे अभी, करता ही है ना तो दोबारा ही प्रयोग, ही अगर यहां पर इज एम आ रहा है तो यहां पर लिखेंगे कैन नॉट, अगर यहां पर वॉज वर होता तो लिखते कुड नॉट, कैन नॉट फिर लिखोगे परचेज ए हाउस, परचेज ए हाउस, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस, भाई इतना गरीब है कि वह घर नहीं खरीद सकता। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव में, ये नेगेटिव आएगा, अर्थ दोनों का सेम ही है। अगला कह रहा है सीता प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज क्रिकेट, सीता फुटबॉल खेलती है और वह क्रिकेट खेलती है, अब दोनों सीता ही है, दोनों एक दोनों सीता फुटबॉल सीता खेल रही है, क्रिकेट सीता खेल रही है, आइदर ओर का प्रयोग करना है, दोनों कर्ता सेम हो तो जहां तक वाक्य सेम है वहां तक लिख दो, यहां पर प्लेज तक सेम है, सीता प्लेज लिखो, फिर यहां लिख क्या लिखोगे अभी आइदर, फिर लिखोगे फुटबॉल, फिर लिखोगे और, फिर लिखोगे क्रिकेट। प्रिय विद्यार्थियों अगर आप ये कंजक्शन टॉपिक संपूर्ण हल करना चाहते हैं, 9th से 10th तक हमारा या आपको स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर, ये हमारा एक JR क्लासेज ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा कक्षा 3rd से लेकर 12th तक, जिसमें जितना भी ग्रामर 9th से 12th तक आपको अलग अलग भी मिलेगा और एक साथ भी सीखने को मिलेगा, तो आप हमारा ऐप JR क्लासेज ज़रूर डाउनलोड करें और ये सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, यहाँ पर भी हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट देखिए भी, ही फेल्ड ही वॉज इंटेलिजेंट, वह एसपल हो गया, वह बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था वो। अब देखिए भी ओल्डो का प्रयोग यद्यपि, अब ओल्डो से कोई सेंटेंस को जोड़ना हो तो स्टार्टिंग में क्या लिखें भी, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, वह इंटेलिजेंट था फिर भी वह क्या हो गया अभी फेल हो गया, तो आप लिखेंगे ओल्डो यद्यपि ही फेल्ड, पहला सेंटेंस लिखेंगे, फिर जो फुल स्टॉप वहां कॉमा लगाएंगे, ही वॉज इंटेलिजेंट ओल्डो, दूसरा सेंटेंस सेम का सेम लिखेंगे ही वॉज इंटेलिजेंट, क्या अर्थ बनेगा इसका भी, यद्यपि वह एसपल हो गया तथापि वह के वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, तो पहले ओल्डो लगाओ, पहला सेंटेंस सेम का सेम लिखो, यहाँ पर फुल स्टॉप वहां पर क्या लगाओ अभी कॉमा लगाओ, दूसरा सेंटेंस सेम का सेम लिख दो, ही है उसको कैपिटल एस स्मॉल लिख देना एच। नेक्स्ट देखिए भी, रामायण इज ए होली बुक, रामायण की अभी एक पवित्र पुस्तक है, कुरान इज ए होली बुक, अब यहां पर देखो भी कर्ता दोनों में अलग अलग है और सेम ही है, इज ए होली बुक, इज ए होली बुक, अब क्या अभी सब्जेक्ट अलग अलग है, बोथ एंड का प्रयोग करना है, जब कर्ता अलग अलग हो तो स्टार्टिंग में बोथ आएगा, तो यहां क्या लिखो अभी बोथ, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखो,
रामायण, फिर एंड लगाओ, फिर दूसरा सेंटेंस में का कर्ता लिखो कुरान। अब देखो अभी पहले तो रामायण एक पुस्तक थी, कुरान भी एक पुस्तक थी, ईद ही जाया हुआ था। अब एंड का प्रयोग हो गया, दो कर्ता अलग अलग थे वो एक साथ हो गए, रामायण एंड कुरान दो पुस्तकें हो गई। तो यहाँ इज का क्या बदल जाएगा अभी, आर। अब यहाँ पर ए भी नहीं आएगा आर, होली का तो होली आएगा, बुक का क्या आ जाएगा अभी, दो किताबें होगी तो क्या आएगा, बुक्स आ जाएगा, ए हट जाएगा, होली बुक्स आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। राहुल इज वेरी वीक, ही कैन नॉट पास दिस ईयर, यहाँ पर शो दैट का प्रयोग करना है। कैसे करोगे भी, राहुल का क्या लिखोगे भी, राहुल इज अ इज वेरी टा, दो यहाँ लगा दो भी, सो वीक, सो वीक, फिर क्या लगाओ दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करो भी, दैट का, ये सेम का सेम सेंटेंस लिख दो यहाँ पर, ही कैन नॉट पास दिस ईयर, और कोई चेंज नहीं करना है। अगर ठू ठू का प्रयोग करना हो तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे भी, राहुल इज टू वीक, फिर टू लगाओगे, फिर यहां पर कैन नॉट तक हटा दोगे, पास दिस ईयर कर दो, ये आपका टू टू में परिवर्तन हो गया। सो देट में चेंज कराए तो आप वेरी टाओ सो लगाओ, अगर टू टू आया हो तो सो सो की जगह टू लगाओ, वीक का वीक लगाओ, देट से जोड़ना हो तो सीधा देट लगाना है और सेम सेंटेंस लिखना है, और टू जोड़ना हो तो टू लगाओ, कैन नॉट तक हटा दो। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना।